मुझे नहीं पता कि मेरी ये ब्लॉग सिर्फ लेडीज़ देखती हैं या जेंट्स भी देखते हैं, गर्ल्स देखते हैं या बॉयज़ देखते हैं, लेकिन मेरा एक सवाल है सभी के लिए कि आपको क्या लगता है कि हमारा जो टाइम टेबल, डेली रूटीन, डेली का जो काम होता है वो हम खुद डिसाइड करते हैं या घर के जितने सदस्य हैं, चाहे हस्बैंड हों, चाहे पेरेंट्स हों, चाहे बच्चे हों, उनके अकॉर्डिंग हम उसी रूटीन में ढल जाते हैं? जैसे कि मेरा रूटीन मेरे बेटे के अकॉर्डिंग ढला हुआ है, उसके स्कूल के अकॉर्डिंग ढला हुआ है। हेलो माय कच्ची से कलम तक फैमिली, मैं हूँ रचना। कैसे हैं आप लोग? आई होप एंड आई विश कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने दिन की शुरुआत एक पॉजिटिव थॉट के साथ कर रहे होंगे और दिन भर कुछ ना कुछ इनोवेटिव करने की कोशिश ज़रूर करते होंगे ताकि रात को सुकून की नींद आए। खैर, मेरी शुरुआत बिल्कुल सारी मम्मियों की तरह होती है सुबह का टिफ़िन बनाने से, और सुबह के टिफ़िन में आज मैंने बनाया है बैगन भाजा। बैगन भाजा के लिए बैगन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा और उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, नमक, हल्दी और मिर्चा टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल के मिक्स कर दिया। कढ़ाई में एक चम्मच तेल को गर्म होने दिया और उसके बाद इस बैगन को सीधे कढ़ाई में डाल करके मिक्स करके ढक करके 10 मिनट के लिए छोड़ दिया। ना बीच बीच में चलाने का झंझट होता है, ना 10 तरह के मसाले डालने का झंझट होता है, और सबसे अच्छी बात कि ये इतना टेस्टी होता है, पराठों के साथ इतना अच्छा लगता है कि बच्चों को भी बहुत पसंद आता है। तो जब भी सप्ताह में जब सब्जी बैगन की बनती है तो मैं कोशिश करती हूँ बैगन को चेंज कर करके बनाने से। पिछली बार मैंने आपसे लहसुनी बैंगन की रेसिपी शेयर की थी, उससे पहले मैंने सरसों वाले बैगन की रेसिपी शेयर की थी। तो सब्जियाँ वही होती हैं, हम उसको नए नए तरह से बना करके लगता है कि हमने कोई इनोवेशन किया, आज कुछ नया चीज़ किया। एक्चुअली मैक्सिमम लेडीज़ की लाइफ जो है ना 40 के बाद थोड़ी सी बोरिंग या स्ट्रेसफुल या हार्मोनल चेंजेस इसीलिए होते हैं क्योंकि उनकी लाइफ बहुत मोनोटोनस हो जाती है, क्योंकि वही सुबह से रात तक वही डेली रूटीन, वही काम होता है। तो अगर हमें उन चीज़ों से बचना है, उस स्ट्रेस से बचना है, उस हार्मोनल चेंजेस से बचना है, तो अपनी लाइफ में उन्हीं काम को खूब इंजॉय करना चाहिए और रोज उन्हीं काम में नई नई तरह से चीज़ों को करना चाहिए। मतलब सब्जियां वही हों, चावल दाल वही हो, लेकिन नए नए तरह से बनाएं। और आजकल तो इतने सारे स्कोप हो गए हैं सीखने के। पहले तो मुझे याद है कि हमारे घर में गृह शोभा, गृह लक्ष्मी, सरिता, ये सब मैगजीन आती थी और मम्मी उससे देख देख कर रेसिपी, जैम, जेली, ये सब की रेसिपी ट्राई करती थी। अब तो हम लोग के पास इतना अच्छा सोर्स है, ये सोशल नेटवर्किंग साइट्स, यूट्यूब, फेसबुक, जहां हम वीडियोस देख करके कई चीज़ें सीख सकते हैं, आइडिया ले सकते हैं। तो क्यों ना उस आइडिया को यूज़ करके अपनी लाइफ को एक पॉजिटिव डायरेक्शन दिया जाए, राइट? मेरा तो यही सोचना है, आपका इस मामले में क्या सोचना है मुझे ज़रूर बताइएगा। फिलहाल रचित का टिफ़िन तैयार कर रही थी और रचित का था हिंदी का पेपर, और आजकल बच्चों को हिंदी पढ़ाना सबसे मुश्किल काम है। तो रचित अपना हिंदी का पेपर रिवीजन कर रहा था। हमारे टाइम में हम सुबह उठ करके एक घंटे पहले रिवीजन करते थे, बट अब बच्चों का स्कूल ही सुबह सुबह होता, हमारा 10 से 4 का स्कूल होता था, तो ऑलरेडी 6:30 बजे बच्चे उठते हैं, उससे भी पहले उठा के रिवीजन कराने का मतलब नहीं बनता। तो मैं रात में उसको तैयारी करा के सुलाती हूँ, क्योंकि अगर माइंड फ्रेश रहेगा तो याद की हुई चीज़ें उसको याद रहेंगी। बच्चों के लिए सबसे ज़रूरी होता है साउंड स्लीप और कम से कम 9 घंटे की लगातार नींद। इसलिए मेरी कोशिश यही होती है कि 9 बजे तक रचित को सुला दूँ और 6:30 बजे रचित उठता है, तो लगातार उसकी एक साउंड स्लीप हो जाती है। बहुत सारे लोग पूछते हैं मुझसे कि इतनी जल्दी उसको चीज़ें कैसे याद हो जाती है। उसका मेन कारण यह है कि मेरी कोशिश सिर्फ ये होती है कि उसकी नींद अच्छी से पूरी हो, क्योंकि पढ़ाई जो है वो 2 घंटे की पढ़ाई तभी इम्पॉर्टेंट होती है, तभी समझ में आती है जब दिमाग जो है वो फ्रेश हो, और दिमाग फ्रेश होता है जब नींद पूरी होती है। इसलिए, और आप जब चार्ट पढ़ोगे ना नेट पे, तो आपको ही पता चलेगा कि किस उम्र के बच्चों के लिए कितने घंटे की नींद ज़रूरी है, उसी अकॉर्डिंग बच्चों की नींद ज़रूर पूरी कराइए ताकि उनका माइंड डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो। फिलहाल सारा घर का काम करने के बाद, नहा धो के पूजा पाठ करने के बाद, वॉशिंग मशीन में कपड़े लगाना जो डेली बेसिस के काम होते हैं, उसके बाद मैं अपने क्लासेस की तैयारी करने लगी। मैं ऑनलाइन पढ़ाती हूँ, BPSC की तैयारी करवाती हूँ और छोटे बच्चों को भी पढ़ाती हूँ, तो उसका कंटेंट मुझे थोड़ा सा पहले सर्च करना पड़ता है कि अभी क्या जो है स्टूडेंट्स खोज रहे हैं, किस टॉपिक के बारे में ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं, उसी अकॉर्डिंग तैयारी करती हूँ। जिसको बोलते हैं ट्रेंडिंग टॉपिक, ट्रेंडिंग क्या चल रहा है किसी भी सब्जेक्ट में। तो पढ़ाई से जुड़े रहना इनकम के लिए ज़रूरी होगा, लेकिन पढ़ाई और डे टू डे लाइफ और न्यूज़ से जुड़े रहना आपके खुद के कॉन्फिडेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि फिर क्या होता है, जब 4 लोग बैठते हैं घर में, कोई आता है तो आजकल न्यूज़, पॉलिटिक्स, ये सब बारे में बात हो, शेयर मार्केट में बारे में बात हो,
तो अगर घर की लेडीज़ जो है ना वो चुपचाप सुनती रहती हैं, तो जब जेंट्स तो नहीं इंपॉर्टेंस देंगे, बच्चों की नज़र में भी होता है कि मम्मा को नहीं आता है कुछ भी। तो मुझे लगता है चाहे किसी भी एज में हो, 40 पार कर गए हों, 40 प्लस हों, लेकिन डे टू डे लाइफ में देश दुनिया में क्या चल रहा है वो बैठे बैठे आप मोबाइल में भी पढ़ सकते हैं। थोड़ा बहुत नॉलेज रखना बहुत ज़रूरी है, कोई एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बल्कि लोगों से डिस्कस करके आपका खुद का भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप बिलीव नहीं करोगे कि मैं यूट्यूब से जो पैसे मिलते हैं मुझे, मैं उसे शेयर मार्केट में लगाती हूँ। तो मुझे बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट किया कि गृहिणियाँ जो हैं वो शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाती हैं। तो मेरा 1 से 2 घंटे का काम यही होता है जब रचित नहीं रहता है, कंटेंट की तैयारी करना, चाहे वो यूट्यूब की वीडियोस के लिए करूं, चाहे क्लासेस के लिए करूं, या फिर शेयर मार्केट पे थोड़ा सा रिसर्च करती हूं। मैं बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगाती शेयर मार्केट पे, सिर्फ और सिर्फ शेयर मार्केट को सीखने के लिए मैं उसमें थोड़े थोड़े पैसे लगा करके, ताकि जब कोई दो लोग बात करें ना शेयर मार्केट के बारे में तो मुझे भी उस बारे में नॉलेज हो, मैं ऐसे बस चुपचाप बैठे ना रहूं। बस बेसिक यही है कि हर चीज़ की जानकारी होने का एक अंदर अपने अंदर जुनून होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए कि नहीं मुझे ये भी जानना है। तो जब ये रहता है ना तो आपकी लाइफ कभी बोरिंग नहीं होती, क्योंकि हर दिन आपको कुछ नया सीखने का मन करता है, हर दिन आपको नया सीखने के मौके मिलते हैं, और हर दिन आप नया सीखने के बाद रात में बड़े सुकून की नींद सोते हो। फिलहाल मेरी ये जो कपड़ों की लंका है ना, ये ख़त्म नहीं हो रही थी, क्योंकि 2 दिन से मैं सिर्फ कपड़े को ही अस्तिल कर रही हूँ खाली टाइम में। जब जैसे रचित को खाना बनाने और रचित को स्कूल लाने के बीच में जो टाइम बचता है ना, तो ये जो बॉक्सेस हैं ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, और 2-3 बॉक्सेस मैंने गत्ते से काट करके बनाए हैं कपड़े चिपका करके, ताकि कपड़े जो अच्छे से मैनेज हो जाएं। क्योंकि हम लोगों की अलमारी भले ठीक रहती है, पर घर के जो जेंट्स होते हैं उनकी अलमारियाँ बहुत जल्दी ख़राब होती है, एक कपड़े लगा निकालो तो 3 कपड़े वो डिस्टर्ब कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं, इसलिए मैंने ये चीज़ किया हुआ है। इसके बाद मेरी मम्मी के लिए मैंने ये मसाजर ऑन किया, इसमें पानी डाल दो, नमक डाल दो और शैम्पू डाल दो। तो नमक डालने से क्या होता है, पैर में जो पेन होता है वो ख़त्म हो जाता है, और शैम्पू डालने से पैर क्लीन हो जाता है। तो इधर से बहुत ज़्यादा कमज़ोरी के कारण उनके पैर में भी दर्द हो रहा था। फिर दिन में स्कूल जाने से पहले मम्मी के लिए बिल्कुल सादा सादा से सब्ज़ी बनाई, सरपुतिया, जो कि यूपी बिहार में ही मिलता है और बहुत सादी सब्ज़ी बनती है इसकी। फिलहाल मम्मी के लिए और भी सादा बनाना है तो बिना तेल के सब्ज़ी बनाना होता है, तो क्या करती हूँ, लहसुन, जीरा और एक हरी मिर्ची को ड्राई रोस्ट कर लेती हूँ कढ़ाई में, और उसके बाद उसमें सब्ज़ी, चाहे लौकी बनाऊँ, चाहे नेनुआ बनाऊँ, चाहे सरपुतिया बनाऊँ, जो भी सब्ज़ी काट के, ढेर सारी सब्ज़ी उसमें डाल देती हूँ, और नमक डाल के उसको ढक देती हूँ, और धीमी धीमी आँच पे नमक की पानी से, और जैसे नेनुआ है, नेनुआ पानी छोड़ता है, लौकी पानी छोड़ता है, उससे वो सब्ज़ी पक जाती है, लहसुन का फ्लेवर आ जाता है, क्योंकि लहसुन जो है बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, लीवर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो अभी मम्मी को लीवर का कुछ एंटीबायोटिक का ओवरडोज होने से, मतलब कहते हैं रिएक्शन होने से, लीवर बहुत बढ़ा हुआ है, तो उससे मम्मी को एकदम बॉयल खाना खाना है। तो जो लीवर बढ़े होने की जो डाइट फॉलो होती है वो रिसर्च करके पढ़ के मैं उसी अकॉर्डिंग उनको फॉलो करा रही हूँ, शुगर बढ़ा हुआ और लीवर, तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या खा सकती हैं, इसका भी अगर आपको चाहिए होगा ना चार्ट तो मैं आपसे शेयर कर दूँगी। उसके बाद मैं चली गई रचित को स्कूल लेने। आज मुझे स्कूल में भी कंप्लेन करनी थी, क्योंकि स्कूल में क्या है ना, इतने सारे फीस ये लोग लेते हैं, बट स्कूल का वॉशरूम इतना गंदा रहता है कि अभी कुछ दिन पहले भी रचित को सीवियर इन्फेक्शन हो गया था, यूरिन इन्फेक्शन, जस्ट बिकॉज ऑफ स्कूल। तो मैंने स्कूल में कंप्लेन किया था, बट क्या होता है अगर आप अकेले कंप्लेन करते हो तो स्कूल वाले इतनी गंभीरता से नहीं लेते। तो मैंने सारे पेरेंट्स को ग्रुप में मैसेज करके पूछा, उन्होंने भी बताया कि हाँ ऐसा ही है, ना वॉशरूम में हैंड वॉश रहता है, ना वॉशरूम क्लीन रहता है, फ्लश नहीं चलता है। तो ऐसे में एक तो बच्चों की स्कूल फीस भी आप पेमेंट करो, और उसके बाद बच्चे बीमार पड़ जाएँ तो दवाई भी दो, और उसके बाद उनकी बीमारी को झेलो भी, बच्चे भी झेलें, पेरेंट्स भी झेलें। इसलिए स्कूल की अथॉरिटी को मुझे लगता है इन सब चीज़ों पे थोड़ा काम करना चाहिए, क्योंकि बच्चे घर में इतने साफ सुथरे माहौल में रहते हैं, और स्कूल में अगर गंदगी रहती है तो उसका असर बच्चों पे आ जाता है। मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में भी बोला था कि बच्चे स्कूल से आके बहुत एक्साइटेड होते हैं, उनके पास ढेर सारी बातें होती हैं करने की, और नॉर्मली हम पेरेंट्स क्या होते हैं ना, अपनी लाइफ में इतने बिजी होते हैं कि चाहते हैं कि बच्चे घुसें और अपना फटाफट से काम करें, जल्दी से कपड़े चेंज करें, नाश्ता करें, खाना खाएं और पढ़ने बैठ जाएं या टीवी देख लें। बट पॉजिटिव चीज़ें होती है कि जो वो स्कूल से आए ना, तो जो आपको बताना चाह रहे हैं स्कूल के बारे में बात, उनको ध्यान से सुनिए, भले आपके वो इंटरेस्ट का टॉपिक नहीं, जैसे मुझे फुटबॉल की स्पेलिंग के अलावा कुछ भी नहीं पता है फुटबॉल के बारे में, लेकिन रचित जब स्कूल से आता है तो उसका गेम्स पीरियड में क्या हुआ, बाकी पीरियड्स में क्या हुआ, आज उसने क्या एक्स्ट्रा ड्राइंग बनाई खाली समय में, क्योंकि चूंकि वो हाइपर एक्टिव है तो मैं उसको ड्राइंग की एक एक्स्ट्रा कॉपी और कलर दे करके भेजती हूँ, कि अगर कोई भी पीरियड खाली होता है तो उसमें अपनी इमेजिनेशन से ड्राइंग बनाना, क्योंकि वो चूंकि वो उस समय बिजी रहता है इसलिए क्लास में कोई और खुराफात नहीं करता है, क्योंकि हाइपर एक्टिव बच्चों को ना बिजी रखना बहुत ज़रूरी है।
तो वो अपनी ड्राइंग की बातें, नए करेक्टर उसने क्या बनाया, फुटबॉल की बातें मुझे सब बताता है, और मैं 15 से 20 मिनट उस चीज़ को सुनती हूँ ध्यान से, ताकि उसको भी लगे कि उसको कोई सुनने वाला है। नॉर्मली क्या होता है, बच्चे जब बताने को होते हैं तो हम लोग को लगता है ये तो हमारे इंटरेस्ट का टॉपिक ही नहीं है, तो इससे बच्चे इग्नोर्ड फील करते हैं और फिर वो अपनी फीलिंग्स कहीं और शेयर करने लगते हैं। तो फ्रेंडली होना भी ज़रूरी है और स्ट्रिक्ट होना भी ज़रूरी है बच्चों के साथ, ताकि आपको सारी बातें बच्चे अपने खुले मन से शेयर कर सकें। मारना नहीं फुटबॉल रचित, गलती से भी फिर खाना वाना खा करके रचित का फेवरेट काम होता है 1 घंटे टीवी देखना, कार्टून्स देखना। वो देखा उस दौरान मैं अपना वीडियो बना लेती हूँ, एडिट कर लेती हूँ, जो भी पढ़ाई वाली वीडियो होती है, और उसके बाद 4:15 से मैं उसको ट्यूशन पढ़ाने बैठ जाती हूँ। जैसे ट्यूशन का अलार्म बजता है वो भी आ जाता है, मैं भी बैठ जाती हूँ, और मोबाइल जो है उस समय फिर मैं किसी का फ़ोन नहीं उठाती हूँ। और अभी क्या हुआ है कि स्कूल से मैं हिंदी पोएम और इंग्लिश पोएम का फंक्शन कुछ होने वाला है, तो मैम ने मुझे भेजा है कि ये निरुक्त को याद करवा दीजिएगा। तो मुझे ये भी लगा कि प्रोजेक्ट भी पेरेंट्स बनवाते हैं, जो फंक्शंस होने वाले हैं वो भी पेरेंट्स ही याद करवाएं, तो फिर आप स्कूल में क्या करवा रहे हो, एग्ज़ाम की तैयारी भी हम ही करवाएं, प्रोजेक्ट्स बनवाने की भी टेंशन हम ही लें, बल्कि स्कूल में प्रोजेक्ट बनवाने का एक पीरियड होना चाहिए, ताकि बच्चों की क्रिएटिविटी जो है ना टीचर्स देख सकें। ऐसे तो क्या होता है, ये पेरेंट्स की क्रिएटिविटी होती है कि पेरेंट्स बना बना के प्रोजेक्ट भेजते हैं, क्यों नहीं स्कूल के टाइम टेबल में प्रोजेक्ट बनाने का एक पीरियड होता है, जिसमें उनको आर्ट एंड क्राफ्ट और प्रोजेक्ट बनाना सिखाया जाए, बजाय ये कि घर में इतना बड़े बड़े टास्क दिए जाए। उसी तरह से इतनी लंबी चौड़ी एक पोएम दे दी गई याद कराने के लिए, वो मुझे याद कराना था इसको। और उसके बाद मैथ हम लोग पढ़ने में लग गए, तो मैथ में रचित मेरा गुरु है। मेरी मैथ बचपन में थोड़ी वीक रही, तो मैं उसको हमेशा बोलती रहती हूँ कि मेरी मैथ इतनी कमज़ोर थी कि घर में लोग डर के मारे पढ़ते थे कि कहीं रचना जैसी मैथ ना हो जाए, तो उस ये बोल करके ना उसका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है। तो वो मुझे मैथ बताता है, मुझे सिखाने की कोशिश करता है एज अ टीचर, और मुझे भी अच्छा लगता है कि चलो वो बता रहा है, तो उसका इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो क्या होगा नियरेस्ट 10? ये हो मतलब जैसे 105 हुआ, वो 100 हो गया ना, नियरेस्ट 100 ठीक है, तब भी हुआ तो मतलब सही होना चाहिए। फिर रचित खेलने चला गया, पढ़ लिख करके आया, उसने कपड़े चेंज किए और उसने देखा अभी तक मम्मा के कपड़े जो है वो फैले हुए। फिर उसने ध्यान से देखा कि ये तो सिर्फ मेरे और पापा के कपड़े, मम्मा के तो हैं ही नहीं, तो उसने जिम्मेदारी उठा ली कि मम्मा मैं अपने कपड़े खुद से अपना वाइंड अप करूंगा। तो उसने सारे कपड़े अपने वाइंड अप कर दिए। क्या होता है जब वो खुद से वाइंड अप करता है ना, तो पूरी कोशिश करता है कि अलमारियाँ ज़्यादा दिन तक ख़राब ना हो, क्योंकि खुद की मेहनत कहते हैं ना, खुद की हाथ से बनी हुई जली हुई रोटी भी बहुत अच्छी लगती है, सेम वही चीज़ है। यही कारण है कि मैं उसको इन काम में इन्वॉल्व करवाती हूँ, ताकि अपनी मेहनत की वैल्यू वो समझ सके, और जब अपनी मेहनत की समझेगा ना, तो दूसरों की मेहनत की वैल्यू समझेगा कि उसकी मम्मा क्या कर रही है, उसके पापा क्या कर रहे हैं। नॉर्मली बच्चे ये चीज़ नहीं समझते, उनको लगता है मम्मा तो दिन भर घर में ही रहती है, तो रचित की नज़र में ये वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसलिए भी मैं कोशिश करती हूँ, और हम लोग साथ में मूवी देख रहे थे, ब्रह्मास्त्र मूवी आ रही थी, और बच्चों के लिए तो बच्चों को ये फेवरेट है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, बस उसका साथ देने के लिए मैं वहीं पर बैठ के मूवी भी देख रही थी और अपना काम भी कर रही थी। फिर जब रात में रचित सो गया, तो बिहार से मैंने मंगाया था अमड़ा, ये जो है ये बहुत खट्टा होता है, इसमें अंदर जाली सी बनी होती है, और ये अचार जो है ना दाल के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो ये इसको क्या किया मैंने, धुल करके सुखा लिया था, फिर दो दो टुकड़े में काट लिया। इसको काटना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इसकी जाल जो होती है ना बहुत टाइट होती है, और इसमें तेल और हल्दी मिला करके रख दिया। इसकी अचार की रेसिपी मैंने ऑलरेडी चैनल के प्लेलिस्ट पे शेयर की हुई है। अब मैं इसको नेक्स्ट डे जो है इसको पूरा मसाला तैयार करके ये अचार बनाऊंगी। रात में मैंने इसमें तेल और हल्दी मिला के इसको मैरिनेट करके एक तरह से रख दिया, ताकि अमड़ा जो है वो काले ना पड़े, क्योंकि बाहर से मंगाया है वैसे ही इसको थोड़ा सा समय हो गया, जो दाग वाले अमड़ा है वो नहीं काटना होता है, बस काट के इसको रख दिया है। और फिर जब रचित सो जाता है, तो जो भी एक्स्ट्रा काम होते हैं वो करती हूँ, और उसके बाद वीडियो एडिट करना, वीडियो पोस्ट करना, और आजकल तो सावन की तैयारियों में भी लगी हुई हूँ। तो सावन की आप क्या तैयारी करते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा, और मेरी ब्लॉग्स आपको कैसी लगती है ये भी बताइएगा, और मैंने जो ब्लॉग में शुरुआत में क्वेश्चन पूछा उसका जवाब जरूर दीजिएगा। अगर आपको ब्लॉग्स अच्छी लगती है तो चैनल के सब्सक्राइब या फॉलो बटन को क्लिक कर लीजिएगा। बाकी की ब्लॉग्स देखने के लिए या बाकी की वीडियोज़ नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट को विजिट करिएगा। यकीन मानिए आप किसी भी एज ग्रुप के होंगे, आपको वहाँ ढेर सारी इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल वीडियोज़ मिल जाएंगी,
जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो प्लीज़ एक बार जाते जाते चैनल के प्लेलिस्ट को ज़रूर विज़िट करिएगा। और आपको अपना ध्यान तो रखना ही है, साथ ही साथ अपने दिन की शुरुआत पॉजिटिविटी से करनी है।